हेलो बच्चों एम आई लाइव पहले तो बताओ कि मैम लाइव है या नहीं सीन तो नहीं हो गया फिर से गलत स्ट्रीम की का इज मैम लाइव मैम लाइव है हाँ बच्चों चैट्स में ना एकदम से जोश आ जाता है जैसे टीचर लाइव जाता है मैं एक बार देख लो जोश के ऊपर पता लग जाएगा कि बच्चे लाइव हैं या नहीं हाँ 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 बता दो भाई लाइव है ना मैम की आवाज सुनाई दे रही है मैम दिखाई दे रही है पीछे का कोको भैया दिखाई दे रहे हैं सबको यस 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 ऑल माय किड्स ओके 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 तो आई आई थिंक एम लाइव वॉइस लो है क्योंकि मैं लो ही बोल रही थी अभी यस yes. मैं अभी थोड़ा धीरे ही बोल रही थी वॉइस और इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से ओके डन वॉइस इंक्रीज हो चुकी है कोको भैया के बारे में ठीक yes. तो है हमारा कोको भैया कोको राजा ठीक है इसको अभी हम वापस देखेंगे बढ़िया तरीके से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे मुंह को आने को हो रहा है इसको ज्यादातर ना हम बड़ा देखना पसंद नहीं करते बच्चों है ना यस yes. तो बेसिकली कोको भैया को, को ज्यादा हम देखना पसंद करते नहीं हैं

तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता है ना भाई सिंपल सा उसूल है देखो एक्स्ट्रा मॉड्यूल पढ़ लेने से कोई टॉपर नहीं बन जाता ठीक है ऐसा ज्ञान पढ़ लेने से जो पेपर में पूछा नहीं जाता उससे कोई टॉपर नहीं बनता टॉपर वो बच्चा बनता है जो अपनी एनसीईआरटी को ढंग से समझ के पढ़ता है ठीक है तो आज का चैलेंज ये है कि सेशन के बाद आपको नीट अड्डा की आपके फ्री सेक्शन में डीपीपी मिलेगी और अगर आपने वो पूरी डीपीपी सॉल्व कर ली

ठीक है बच्चों यस चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे बच्चों देखो पूरी पढ़ाई चलेगी मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना आप लोगों को क्योंकि ज्ञानी ध्यानी आप ऑलरेडी हैं ठीक है ठीके? मुझे तो बस यही चीज चाहिए कि आप लोग अच्छे से पढ़े जितने भी बच्चे आए ठीक है यस चलिए शशांक आप तो आए हैं ना मेरे सेशन में दैट्स ऑल आई नीड चलिए तो बच्चों पहले के टेन मिनट्स हम क्या करेंगे हम पूरे

तो मैं बता रही हूँ चैप्टर आपके लिए बेहद बेहद आसान होने वाला है बच्चों ठीक है yes. यस so, तो चलें फिर चल लेट्स स्टार्ट द मूवी एंड बच्चे जितना इंटरेक्टिव रहेंगे चैट सेक्शन में मुझे उतना मजा आएगा कोई भी चीज ऐसी जो आपको एनिमेशन में समझ ना आए डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन ठीक है चलिए आइए आ जाओ आ हा 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 कहां पे है कहां पे है ये रहा हमारा फुल स्क्रीन चलिए बच्चों सो so, ये है हमारा पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना जो कि हमारा है कॉकरोच ठीक है ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता बच्चो? है बच्चों इट बिलोंग्स टू किंगाइलम कौन साक्शन कौन सा सबसे बड़ा फाइलम है दैट इज आर ये आर्थरो कौन सा हमारा सबसे बड़ा फाइलम आर्थरो और जो ये है ये हमारा पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना ठीक है अब आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं तो सबसे पहले हम आज समझने वाले इसके एक्सटर्नल फीचर्स ठीक है एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले आइए इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा दोस्त से हेलो एवरीवन ठीक है है अब ये है इसका ट्राइंगर हेड ये जो इसका हेड होता है ना बच्चों ये इसके शरीर से 90 डिग्री पे होता है कितने डिग्री पे होता है बेटा इसका हेड एवरी वन इन दार्ट सेक्शन 90 डिग्री पे होता है तो इसकी बॉडी ऐसे होती है और इसका हेड ऐसे होता है तो इस तरह के हेड को हम क्या कहते हैं हाइपोग्नाथस क्या कहते हैं बच्चों ऐसे तरह के हेड को कहते हैं ठीक है थीके? और जो इसका हेड है वो तिकोने आकार का होता है कैसे आकार का होता है बच्चों तिकोने आकार का होता है ट्राइंगुलर इन शेप होता है अब इस ट्राइंगुलर शेप के अगर इसके हेड के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो ये मुझे दो बड़ी बड़ी आंखें दिख रही है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है इसकी कंपाउंड आइज है क्या है बच्चों ये इसकी? ये इसकी कंपाउंड आइज कंपाउंड आईज वो आइज है जो किससे बनी होती है से एवरीवन इन द चैट सेक्शन किससे बनी होती है अभी देखना एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी सब चीजें आएंगी तो ये है इसकी आंखें जिनका नाम है कंपाउंड आईज कितनी है वन पेयर है इसके अंदर क्या चीज होती है ओमेटीडियाज होते हैं क्या होते हैं बच्चों ओमेटीडियाज यही वो ओमेटीडियाज होते हैं विच आर रिस्पांसिबल फॉर मोजैक विजन किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं बच्चों ये ये रिस्पांसिबल होते हैं फॉर मोजैक विजन मोजैक विजन ऐसा विजन है कि ऐसे मान लो कि एक इंसान की कम से कम दो हजार फोटो बनेगी एक ही इंसान की 2000 फोटो तो जो ऐसा वाला विजन होता है वो सेंसिटिव ज्यादा होता है बट उसका रेजोल्यूशन कम होता है तो एक बार फिर से कर लेते हैं बच्चों वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज दीस कंपाउंड आइज आर मेड अप ऑफ ओमेटेरियास विच गिव अस मोज़ेक विजन विच हैज हाई सेंसिटिविटी बट लो रेजोल्यूशन ठीक है अब आते हैं इसके दूसरी चीज पे जिसका नाम है फिलीफॉर्म एंटीना एंटीना भी कितना है बच्चों इसके पास वन पेयर ऑफ एंटीना कितना है बच्चों इसके पास वन पेयर ऑफ एंटीना और एंटीना आपने कभी देखे हो रहे इसके हमेशा से ऐसे चलते रहते हैं क्यों चलते रहते हैं क्योंकि दे हैव टेक्टाइल रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स एवरीवन कौन से रिसेप्टर्स टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं

तो ये जान लेगा ये कहेगा अरे तो मेरे से भी ज्यादा बदबूदार है रहने तो, भाई इसके पास मुझे जाना ही नहीं है। तो हमारे पास कितने, है, after, कितने है, इसके पास है, इसके पास दो तरह के रिसेप्टर एक वाइब्रेशन को दूसरा कौन सा है की क्षमता भी है ठीक है अब आते नेक्स्ट चीज नेक्स्ट है ये छोटी छोटी आंखें तुर तुरुरु जिसका नाम है ऑसेलाई क्या नाम है बच्चों इन का ऑसेलाई ये सिंपल आइज होती हैं योर सेलाई होती हैं इन्हें हम फेनेस्ट्रा भी कहते हैं ये वो आइज है बच्चों जो देखती नहीं हैं महसूस करती हैं क्या महसूस करती है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो अगर आप बंद लाइटों में कॉक्रोच को पकड़ने जा रहे हैं तो आपकी परछाई से भी पता लगा लेगा कि अरे उड़ी बाबा ये अंधेरे में गेम खेला है अरे हम भी खेलेंगे गेम एक ठीक है है तो ये जो होती है, इससे आपको कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता बल्कि ये वो आइज है जिससे आपको पता लगता है क्या द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हाट इट टेल्स अस एवरीवन इन द चैट सेक्शन क्या बताता है ये ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं अब इसके बाद आते हैं इस वाले हिस्से पे जो कि इसका क्या है क्राउन एरिया ये देखिए आप देखिए इसकी लोकेशन ऐसे ही दिखता है कॉकरोच तो ये जो कॉकरोच का है सबसे पहला हिस्सा जो इसके हेड से जुड़ा होता है इसको हम कहते हैं प्रोनोटम क्या कहते हैं बच्चों प्रोनोटम कहते हैं या इसे बोलते हैं प्रोथोरिक्स क्या-क्या बोलते हैं एवरीवन रिपीट आफ्टर मी प्रोनोटम बोलते हैं या बोलते इसे प्रोथोरेक्स ठीक है ये जो प्रोनोटम है ये जो प्रोथोरेक्स है ये हेड से जुड़ा होता है एक छोटे से एक्सटेंशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल नेक किससे जुड़ा होता है ये नेक से जुड़ा होता है ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं अब देखिए ये देख रहे हो पहला हिस्सा हो गया तो ये बीच वाला हिस्से का क्या नाम होगा चलो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में इतने मैं इस पर क्लिक करती हूँ ये इसका बीच वाला हिस्सा है जिसे हम मीजोथरिक्स कह रहे हैं क्या कह रहे हैं इस बीच वाले हिस्से को मीजोथॉरिक्स क्या कह रहे हैं और इस से अगर आप ध्यान से देखें तो वन पेयर ऑफ विंग निकल रहे देखिए इसी मीजोथोरिक्स ये देखिए मीजोथॉरिक्स और प्रोनोटम के बीच का जो हिस्सा है वहां से हमारा निकल रहा है द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग व्हिच इज डार्क

और इसका दूसरा नाम टेगमीना है ठीक है और ये जो टेगमीना इसका तीसरा नाम भी है इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसे इलाइट्रा भी बोलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है टेगमीना है हमारे पास यहाँ पे इलाइट्रा है ठीक है समझ में आ रहा है यहां तक अब नीचे चलते हैं अब अगर आप नीचे वाला हिस्सा देखे थॉरिक्स का प्रोथोरिक्स हो गया नीजो हो गया अब इसके बाद कौन सा आएगा मेरे बच्चों यस एवरी वन ये प्रो हो गया ये मीजो हो गया अब जो तीसरा थॉरिक्स का हिस्सा है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड मेटाथोरिक्स ये कौन सा हिस्सा है थॉरिक्स का दिस इज कॉल्ड मेटाथोरिक्स और इसी मेटाथोरिक्स से अब आप देखेंगे सेकंड पेयर ऑफ विंग निकलेगा क्या निकलेगा सेकंड पेयर ऑफ विंग व्हिच इज कॉल्ड एस मेटा विंग विच इज कॉल्ड एस हाइंड विंग विच इज मेम्ब्रेनस ट्रांसपेरेंट विच इज यूज फॉर फ्लाइंग परी मुझे ना ठीक है तो ये तो हो गया इसका थॉरेक्स बट बेटा थॉरेक्स में विंग्स के अलावा भी कोई चीज हमें दिख रही है नहीं दिख रही आर्मी yes, बोलो जरा हमें दिख रही है नहीं दिख रही है जी मैम बिल्कुल दिख रही है ठीक है और वो क्या है वो है हमारे लेग्स

चलो ये देखिए बच्चों ये है इसकी पूरी टांग का स्ट्रक्चर अगर इसके टांग के स्ट्रक्चर को देखें तो ये सबसे पहला हिस्सा है कोक्सा ये वो हिस्सा है जो कॉकरोच के शरीर से जुड़ा होता है ठीक है और यही कोक्सा फीमर से जुड़ा होता है बट कोक्सा और फीमर को जोड़ने वाला होता है ट्रोकेंटर कौन होता है बच्चों ट्रोकेंटर ठीक है और ये फीमर जो है सबसे लंबे हिस्से को जोड़ेगी जिसका नाम है टिबिया और टिबिया के पास होते हैं टारस अब अंतिम हिस्सा देखिए बच्चों ये वाला हिस्सा देखिए कुछ अलग सा दिख रहा रहा है है कुछ अलग सा दिख रहे? जैसे क्लॉ टाइप हो पहले मुझे बताओ देख के कुछ ऐसे लग रहा है यहाँ पे क्लॉ टाइप है डब्ल्यू शेप है ऐसा क्लॉ टाइप ऐसे दिख रहा है सबको ये क्यों है जिससे कि ये इसे हेल्प कर सके स्मूथ सरफेस पे चलने के लिए मान लो तुमने पोचा लगा दिया ठीक है ठीक है दीदी को मम्मी ने बोला कि चल भाई पोचा लगा अब पोचा लगाने के बाद फिसल रहा था चलने के लिए ठीक है तो क्लॉज बेसिकली हेल्प टू वॉक ऑन रफ सर्फेसिस एंड यहाँ पे इसके पास पैड होते हैं जो स्मूथ सर्फेस पे चलने के लिए, लिए। तो हेल्प पार करते हैं ठीक है बच्चों टांग भी क्लियर है एवरीवन इन द चैट सेक्शन एक बार बता दे अब आगे चलते हैं जरा अब ये देखिए ये तो इसका नाम क्या होगा आप खुद बताइए अब आप खुद बताइए इसका नाम क्या होगा बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कॉमन सेंस की चीजें हैं बिल्कुल अगर कॉमन सेंस लगा ली तो अभी की अभी याद हो जाएगा अगर ये प्रोथोरेसिक लेग थी तो इसका नाम क्या होगा देखिए कहां से निकल रहा है ये नीजोथोरिक से निकल रहा है तो इसका नाम क्या होगा एवरी वन आई एम वेटिंग फॉर यू यस यस yes, एवरीवन बच्चों रटना नहीं है बायो को कॉकरोच भी नहीं रटवा रही समझ के की कीजिए बहुत मजा आने वाला है तो एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया है उसका नाम है ठीक स्प्रिया, है स्प्रिया ने सबसे पहले जवाब दिया मैम इसका नाम है लेग वेरी गुड बच्चों तो यहाँ पे देखिए ये आगे मीजोथोरेसिक तो इस वाली लेग का नाम क्या हो जाएगा मेटाथोरेक्स पे है तो इसका नाम हो जाएगा मेटाथोरेसिक लेग ये देखिए हो गया ना मेटाथोरेसिक लेग बस यस ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं ये है इसका वो वाला विंग जिसका नाम है हाइंड विंग ये देखिए फिर से एक बार दिखा रहे हैं ये हाइंड विंग है ये वाला दिस वन ये हाइंड विंग है और इस हाइंड विंग का क्या काम था उड़ने का फ्लाइंग व्हाट वाज़ द फंक्शन ऑफ हाइंड विंग दिस इज अ पीवाईक्यू इन नीट एग्जाम एवरीवन प्लीज आंसर दिस इज ट्रांसपेरेंट दिस इज मेम्ब्रेनस यूज्ड फॉर फ्लाइंग कॉल्ड एज हाइंड विंग ठीक है अब हमने इसका हेड देख लिया हमने इसका थॉरिक्स देख लिया अब क्या बचा अब बचा है इसका लास्ट पोर्शन जिसे हम कहते हैं एबडोमिन और उस एबडोमिन में होते हैं इसके पास टेन सेगमेंट्स ठीक है क्योंकि आर्थ्रोपोडा में होती है सेगमेंटेशन तो इसके पास कितने सेगमेंट्स है एबडोमिन में रिपीट आफ्टर मैम कितने हैं इसके पास है टोटल दस सेगमेंट आई उन दसों के दस सेगमेंट्स को देखते हैं बच्चों चलो क्लिक करते हैं ये देखिए ये है इसका एबडोमिन अब लड़की और लड़के में क्या फर्क है क्योंकि इन दोनों में होता है सेक्सुअल डायमोरफिजम सेक्सुअल डायमोरफिजम का मतलब होता है कि हम देख कर बता सकते हैं कि ये मादा कॉकरोच है या ये पुरुष कॉकरोच है तो आइए कैसे बताएंगे ठीक है देखो बच्चों अगर ये होगा शेप नाव के आकार का शेप ठीक तो क्युं है तो शेप क्यों है क्योंकि लल्ला का पालन पोषण करना है और लल्ला का पालन पोषण मां करती है तो यानी कि ये किसमें होगा शेप फीमेल में जबकि मेल में ये नैरो होगा तिकोना होगा ठीक है थोड़ा सा वहीं पे लड़का बहुत ही स्टाइल मारता है तो इसलिए उसके पास क्या होते हैं कॉर्डल स्टाइल्स एनल स्टाइल्स लड़की तो प्यारी होती है ना पापा की परी उसके पास नहीं होता बेटा स्टाइल ठीक है तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच ठीक है अब आगे चलते हैं दैट इज माउथ पार्ट्स ध्यान से देखेंगे बिल्कुल एनसीआरटी का डायग्राम हम सब मिलके बनाएंगे ठीक है तो याद आ, मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार एनसीआरटी अपने सामने खोल ले जिससे कि हमें एनसीआरटी याद हो जाए साथ के साथ ठीक है एनसीआरटी खोल ली सबने अब देखिए बच्चों माउथ पार्ट की अगर बात करें तो कॉकरोच के पास होते हैं बाइटिंग एंड चुइंग टाइप कैसे होते हैं बच्चों एक बार बाइटिंग एंड चूइंग टाइप यानी कि बाइट किया खुछ और च्यू किया

ये देखिए मैंडिबल्स ऐसे मूव करते हैं ये मैंडिबल्स है बीच में खाना रखा है कट 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 ऐसे करता है तो मैंडिबल्स क्या है मूवेबल स्ट्रक्चर्स है मैंडिबल्स क्या है बच्चों मूवेबल स्ट्रक्चर जो खाने को तोड़ने वाला है क्या करने वाला है खाने को तोड़ने वाला है ठीक है बच्चों अब आगे चलते हैं ये देखिए साइड के लंबे वाले स्ट्रक्चर्स देखिए अपर पोजीशन देखिए ये देखिए दीज आर कॉल्ड मैगजिला मैगजिला के बड़े सारे काम है ये हाथ होते हैं कॉकरोच के बच्चों छे टांगे तो हैं बट हाथ कौन है इसके मैगजिला ये क्या करते हैं खाने को ऐसे पकड़ते हैं ये देखिए खाने को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे है। ये खाना मान लीजिए कि सामने मेरे पास बॉटल है ये देखिए ये इसके पास बॉटल है ये ऐसे पकड़ने का काम किसका मैग्जिला का और इसे काटने का काम किसका है मैंडिबल्स का ये पकड़ के रखेगा और मैंडिबल इसके ऊपर इसकी कटाई करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो इस तरीके से काम करते हैं इसके माउथ पार्ट्स ठीक है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे ये देखिए बड़ा सा ये है इसका लेबियम व्हिच इज कॉल्ड लोअर लिप व्हिच एक्ट एज अ प्लेट फॉर फूड ये थाली है इसके ऊपर खाना सजाया जाएगा मैक्जिला उसको पकड़ के रखेगा मैंडिबल उसे कट करेगा

दूसरे पार्ट पे चलिए बच्चों एक सेकंड मुझे थोड़ा सा दो मिनट दो मैं अभी थोड़ा धीरे धीरे से और अच्छे से चलाना सीख रही हूं हाँ भाई तीन में में होता है, ट्रू एक है और तीसरा कौन है ठीक है चलिए आगे चलते बच्चों अब हम आएंगे इसकी इनाटमी पे कौन सा सिस्टम है मैं कुछ नहीं बता रही आप खुद बताएंगे अब एवरीवन बस एनसीईआरटी सामने खोल के रखनी है और इसको देखते चलना है बस यस yes, ठीक है चलिए एवरीवन हां जी ये देखिए कौन सा सिस्टम है ये दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच ठीक है हमारा जो एनएमसी है उसने इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम डिलीट कर दिया बट कहता कोको को का पण भाई

अब खाना अंदर जाएगा अब खाना जहां अंदर जाएगा उसका जो पहला हिस्सा है देखिए ये देखिए उसका नाम क्या है फारिंग्स. तो सबसे पहले भोजन कहां जाता एवरी वन इन चैट सेक्शन सबसे पहले भोजन कहा जाता है बताइए मैम को याद कीजिए क्लास में ही सबसे पहले भोजन मुंह से फैरिंग्स में जाता है कहा जाता है फैरिंग्स में ठीक है अब फेरिंग्स के बाद अगर आप एनसीआरटी का डायग्राम देखेंगे तो वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स भी बने हुए हैं और सलाइवरी रिजर्वोयर भी बना हुआ है तो ये जो आपको चार स्ट्रक्चर यानी कि टू पेयर्स आपको जो दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर के दीस आर सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड से क्या सेक्रिशन होता है यार ये तो बहुत ही सिंपल है नाम से पता लग रहा है सलाइवरी ग्लैंड मींस सलाइवा यानी कि खाने को मॉइस्चर यहां से मिलेगा जिससे वो खाने को निगल सके ठीक है तो ये कई बार क्या होता है ना बेटा ये ज्यादा सलाइवा निकाले ये थूक निकालते रहते नालायक कहीं के तो बॉडी कहती है भाई तू तो थूक मत निकाल जगह जगह गंदगी करेगा तू तो इसलिए तू तो ऐसा कर तू तो एक वन पेयर ऑफ सलाइवरी रेजरवर भी रख ले जहां तो इसको कॉन्सेंट्रेट करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, ठीक है? तो टू पेयर क्या है इसके पास? चैट सेक्शन सलाइवरी ग्लैंड है या सलाइवरी नीट में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बस बायो में इससे ज्यादा कोई नहीं खेल सकता तो इसलिए याद रखना है सलाइवरी रेजर वन पेयर ठीक है और टू पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड तो अब सलाइवा आ चुका है खाना आ चुका है मिक्स हो चुका है मिक्स होने के बाद जो भोजन है वो कहा जाएगा बच्चों एक लंबी सी डक्ट में जिसका नाम है क्या नाम है इस लंबी सी डक्ट का ईसोफेगस माउथ सलाइवरी ग्लैंड ईसोफेगस पहुंच ईसोफेगस तक अब ईसोफेगस के बाद खाना जाएगा फोर गट के क्रॉप में Very important for neat exam, क्योंकि पे खाना स्टोर भी होगा और सॉफ्ट भी होगा अब आप कहेंगे मैम सॉफ्ट कैसे होगा आप ये बताइए पहले क्यों सलाइवा नहीं लाए थे खाना नहीं लाए थे अगर आप सलाइवा और खाने को साथ में छोड़ दोगे तो धीरे धीरे डाइजेशन होगा स्लो स्लो और धीरे धीरे खाना क्या होगा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो जो खाना बहुत टफ था अब वो खाना सॉफ्ट हो चुका है ठीक है मेरे बच्चों सो व्हाट आर टू फंक्शंस ऑफ क्रॉप एवरी मन क्या फंक्शन है क्रॉप के दो फंक्शन है क्रॉप के एक सॉफ्टनिंग ऑफ फूड और दूसरा है स्टोरेज ऑफ फूड समझ में लग गया सबको एवरी इन द चैट सेक्शन यस तो ये हो गया हमारा क्रॉप अब क्रॉप के बाद जो खाना है मेरे बच्चों वो कहा जाएगा वो जाएगा इस वाले स्ट्रक्चर में ये दिखे, ये दिखे, ये ये देखिए 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 दिख रहा है गिजर्ड यहां पे क्रॉप है क्रॉप के बाद खाना कहा गया गिजर्ड में अब जी फॉर गिजर्ड जी फॉर ग्राइंडिंग यानी कि गिजर्ड के अंदर क्या होने वाला है मेरे बच्चों ग्राइंडिंग ऑफ फूड बट सवाल उठता है कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड होगा कैसे ग्राइंडिंग ऑफ फूड अब आपने यहां पे फोकस करना है ये है हमारा प्रोवेंट्रिकुलस या गिजर्ड गिजर्ड का दूसरा नाम आपने क्या बोला प्रोवेंट्रिकुलस तो ये प्रोवेंट्रिकुलस है या गिजर्ड है अंदर से इसके पास छह दांत है मेरे बच्चों कितने दांत है मेरे बच्चों छह दांत हैं और ये दांत इस खाने को और तोड़ देंगे जिससे कि एंजाइम उस पर काम कर सके आप कहेंगे मैम कि इसके दांत और हमारे दांत सेम है मैं कहूंगी ना जी ना हमारे दांत में कैल्शियम कार्बोनेट है और इसके दांत के अंदर क्या है काइटिन तो इसके दांत किस चीज से बने रिपीट आफ्टर मी इसके दांत बने हैं काइटिन से किससे बने बच्चों काइटिन से ठीक है तो इस तरीके से ये जो गिज़र्ड है वो काइटिन के दांत की मदद से खाने को ग्राइंड करेगा याद कैसे करेंगे जी फॉर गिजर्ड जी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड यहां तक याद हो गया बच्चों एवरीवन यहाँ तक याद हो गया ठीक है अब आगे चलते हैं अब देखिए पे को तोड़ने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा तो अब कहना बॉडी कह रही है मैं नहीं तोड़ सकता खाने को तो अब मुझे एंजाइम्स चाहिए अब इसके एंजाइम्स कहा से आएंगे अब ध्यान से देखिए यहाँ पे फोरगट खत्म ये देखिए यहाँ पे अब यहां पे शुरू होगा हमारा मिडगट ठीक है अब मिडगट पे पहुंचने से पहले एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिड ग्ड called एज hepatic सीका क्या दो नाम आपने बोले यहां पे से आठ क्या प्रेजेंट है गैस्ट्रिक सी hepatic हिपैटिक सीका ये कैसे टिब्यूल्स हैं? ये ब्लाइंड टिब्यूल्स हैं। ये क्या करने वाली हैं, ये एंजाइम सिक्रीट करने वाली हैं। जैसे कि जो खाना फोर गट से मिड गट यानी डाइजेशन खाने का हो सके ठीक है ये देखिए अब ध्यान से देखिए बच्चों हिपैटिक सी का प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ डैश एंड डैश नीट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए क्लास में चलिए सॉल्व कीजिए एवरी सॉल्व कीजिए

इन मैलपीजन टिब्यूल्स का काम होता है एक्सक्रीशन कराना क्या कराना मेरे बच्चों एक्सक्रीशन कराना ठीक है और इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया है अमोनिया या यूरिक एसिड है अगेन नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड सो वी हैव 150 येलो कलर टिब्यूल्स प्रेजेंट बिटवीन द मिड एंड हाइंड कॉल्ड एज मालफीजियन टिब्यूल्स ठीक है तो हम ये भी कह सकते हैं कि in nature. कैसा है अब आते हैं अब देखो यूरिक एसिड आ चुका है शरीर का अनडाइजेस्टेड वेस्ट आ चुका है ये सारा का सारा हम कहा फेंकने वाले हैं ये सारा का सारा हम फेंकने वाले हैं इन स्ट्रक्चर नेम्ड कॉल्ड इलियम कोलोन ठीक है तो पहले कहा जाएगा इलियम में इलियम से जाएगा कोलोन और फिर लास्ट में ये पहुंचेगा कहां पे रेक्टम में कहा पहुंचेगा रेक्टम इस तीनों हिस्से का यानी इलियम कोलोन और रेक्टम का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना क्या करना काम है बच्चों टू एब्जॉर्ब वॉटर ठीक है तो यहां पे पानी का एब्जॉर्बन होगा सो दिस इज आर एंटायर एलिमेंट्री केनाल बच्चों पहले बताओ याद हो गया क्लास में यस yes, बच्चों कोई भी ऐसी परेशानी मजा आ रहा है याद यादोगे एक सिस्टम अभी जब हम एनसीआरटी रीडिंग लगाएंगे ना तब आपको पता लगेगा यस yes, मैम मुझे सच में याद हो चुका है हो गया याद क्लास में अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं विल यू आंसर दैट ठीक है हाउ मेनी पेयर ऑफ सलाइवरी रिजर्वोयर आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच बस इसका आंसर चाहिए यस yes, बताइए यस yes, बच्चों कितने प्रेजेंट होते हैं तब तक मैं दूसरा सिस्टम निकालती हूँ इसका वन पेयर बिल्कुल सही आंसर दिया है अब आपको बोर्ड पे इसका दूसरा सिस्टम दिख रहा होगा जिसका नाम है ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इसको एक बार देख लो बच्चों फिर आइए इसको भी समझते हैं फिर पढ़ते हैं ठीक है बच्चों यस yes. तो सबसे पहले ये हमारा द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच ये डायग्राम आपको एनसीआर में साइड में बना हुआ दिख रहा होगा ठीक है सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बताइए जरा चैट बॉक्स में <laughs> ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है बच्चों सबसे ज्यादा नीट में आता है ये क्वेश्चन क्या इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या इसके पास प्रेजेंट होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा सिस्टम प्रेजेंट होता है बताओ जल्दी से

तो हम कह सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी ब्लड जो है टिश्यू के कॉन्टेक्ट में नहीं आता अब आप कहेंगे मैम क्यों नहीं आता है ना इसलिए नहीं आता क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी में सिस्टम में होते हैं कैपिलरीज जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होता है ठीक है मेरे बच्चों तो ये हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच में दूसरा सवाल इसका जो दिल होता है ना वो किस तरफ होता है वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी होता है या डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी होता है डोर्सल साइड कौन सी होती है द सन फेसिंग साइड वेंट्रल साइड कौन सी होती है द अर्थ फेसिंग साइड किस तरफ होता है कोको राजा का दिल यस yes, बताइए कोको राजा का दिल कहां पे होता है मेरे बच्चों किस तरफ होता है ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा तो जैसे कि ये देखिए अगर हम ये देखें कॉकरोच को तो इसका दिल जो है डोर्सल साइड होगा क्योंकि हम लोगों का दिल वेंट्रल साइड होता है तो हमसे ऑपोजिट ऑपोजिट आपको याद रखना है है नीट एग्जाम में अगर अगर मेरा दिल दिल वेंट्रल है, तो कोको राजा का डॉर्सल होगा अपने से उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो मेरा क्या होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है अभी भी कुछ बच्चे गलत लिख रहे हैं जैसे महक गलत लिख रही है बेटा पिटाई लगेगी ठीक <laughs> है चलिए अब आइए अब इसको जरा देखते हैं कि आखिर क्या थ्री में हमें दिखाया गया ये देखिए ये है पूरा डिटेल इस तरीके से कॉकरोच दिख रहा है एवरीबडी कैन विजुअलाइज दिस द एंटायर स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको एक शब्द दिख रहा होगा साइनसिस साइनस का मतलब होता है ओपन स्पेसेस क्या मतलब होता है बेटा ओपन स्पेसेस तो सबसे पहले आप देखिए ये है इसका थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ठीक है तो कैसा है इसका इसका दिल कैसा है थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट है डॉर्सली लोकेटेड है न्यूरोजेनिक है वट इज न्यूरोजेनिक न्यूरोजेनिक का मतलब है इसके दिल को इसका दिमाग कंट्रोल करता है इसलिए इशक बाजी नहीं कर पाता है ठीक है आपका दिल कोई कंट्रोल नहीं करता है इसलिए तुम जिंदगी में इशक बन जाते हो ठीक है मेरे बच्चों चलिए तो जब दिल किसी की ना सुने वो मायोजेनिक जैसे कि हम जब दिल दिमाग की सुने और उसी से ही सारे फैसले सुने

चलो आ जाओ अब देखो ये है हमारा पहला अब इसको पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये देखिए बच्चों ये इसके साइनसेस है इसके पास तीन साइनस होते हैं जिस खाली जगह में हार्ट होता है उसे उसे कार्डियल साइनस कहते हैं जहां तरह के होते हैं। और ये देखिए ये इसके पास दो डायफ्रेम है ये क्या है दो डायफ्राम जो इसके बॉडी को तीन हिस्सों में बांट चुके हैं और इन डायफ्राम्स में आपको छेद दिख रहे होंगे पोर्स पर इसके पास पोर्स क्यों है मेरे बच्चों कोई बता सकता है इसके पास पोर्स क्यों है इसके जो डायफ्राम है उनमें पोर्स क्यों हैं जिससे कि ब्लड ऊपर नीचे जा सके सो वाई डायफ्राम सो दैट द ब्लड कैन फ्लो ठीक है अब एक बार इसको और कर लेते हैं ये देखिए पूरा देख लीजिए दिस इज हाउ द हार्ट लुक्स लाइक पूरा का पूरा अब आगे चलते हैं चलिए बच्चों अब इसको देखते हैं अरे ये खुद ही घूम जा रहा है इसको मेरी जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है यस yes. यस yes, इसको मेरी जरूरत नहीं है लग रहा है ये हमारी एलरी मसल ये देखिए बेटा फैन शेप्ड एलरी मसल है जो कि हमारे थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट पे लगी हुई है तो हमारे पास कितनी एलरी मसल होती है ट्वेल्व पेयर ऑफ एलरी मसल होती है ये खुद ही काम कर रहा था अब देखिए दिस मैं चाहूंगी कि आप इसे एक सेकंड फोकस करें यस yes. अब बच्चे कहेंगे मैम ये क्या हो रहा है मैं समझ नहीं आ रहा इसको समझा दो ये क्या हो रहा है <laughs> बच्चे सच में यही कह रहे हैं <laughs> चलो अब मैं तुम्हें समझाती हूँ वापस से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बच्चों मैम यहीं पे है ठीक है चलो देखो बच्चों अब सबसे पहले अगर आप देखे तो ये दिल है और ये दिल के देखिए छेद है ये देखिए आप पंपिंग देख रहे हैं बच्चों ये ब्लड पीछे से आगे की तरफ जा रहा है ये देखिए ब्लड पीछे से आगे की तरफ जा रहा है बच्चों पंप होता होता ये देखिए पीछे से आगे की तरफ ब्लड जा रहा है ये देखिए यहां तक ब्लड आ चुका है ये एओटा तक ठीक है अब ये जो ब्लड है हमारा वो कहा जाएगा ब्लड पूरा हार्ट से पंप होके एओटा में जाएगा फिर बॉडी में जाएगा और वापस से हार्ट में जाएगा तो इस तरीके से सर्कुलेशन ऐसे घूमता रहेगा हमारा पूरा ब्लड ये देखिए ये हार्ट है और ये हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज हैं। इस तरीके से सर्कुलेशन होता रहेगा ठीक बच्चो? है बच्चों यस मैम नोट्स कब बनवाओगे सीरियसली है भाई

देख हैं? ये स्पारिकल्स दिख रहे हैं बच्चों यही टर्म अभी हम एनसीआर में पढ़ने वाले स्पारिकल्स। स्पारिकल्स के ओपनिंग ऑफ ट्रेकियल बच्चों सब देख पा रहे देख ये ये कितने सुंदर से गया। देखा आपने एक बार इसको फिर से देखते हैं एवरीवन ये देखिए स्पारिकल्स एक बार इसे ध्यान से देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम एक सेकंड में हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रेकियल सिस्टम है ये देखिए ये देखिए स्पारिकल दिख रहे हैं सबको टेन पेयर ऑफ स्पारिकल्स ये देखिए पूरी बॉडी में साइडों में लगे हुए हैं स्पारिकल दीज आर द ओपनिंग्स ये देखिए ये देखिए ये हमारा स्पारिकल ये स्पारिकल किस में खुल रहा है ट्रेकिया में और ट्रेकिया से जो भी गैस जाएगी वो सीधा टिश्यू के पास जा रही है देख पा रहे सब बच्चे कैन यू इमेजिन कि कैसे हो रहा है तो हमारे पास कितने स्पारिकल है कितने ओपनिंग्स है ट्वेंटी स्पारिकल है यहां पेयर ऑफ स्पारिकल कह सकते हैं ये स्पारिकल किसकी ओपनिंग है ये स्पारिकल्स ट्रेकिया की ओपनिंग है देखिए सारे के सारे स्पाइरिकल्स किसकी ओपनिंग है ट्रेकिया की यहां से जो भी गैस जाएगी वो सीधा किसके पास जाएगी टिश्यूज के पास किसके पास जाएगी बच्चों सीधा टिश्यूज के पास ये देखिए अब आप ध्यान से देखिए ऑक्सीजन यहां से देखिए बच्चों मूवी चल रही है ऑक्सीजन देख रहे हो कैसे आ रही है ये देखिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ये देखिए सबके पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगी ये देखिए अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रही है रेड कलर से बहुत ही शानदार वापस से एक बार ऑक्सीजन देखेंगे ये देखिए ये देखिए आप देखिए ये देखिए बच्चों ये देखिए खुल गया स्पाकल खुला ऑक्सीजन अंदर गई स्पाकल खुला ऑक्सीजन अंदर गई और ये देखिए ऑक्सीजन सीधा टिश्यूज के पास चली गई टिश्यू ने ऑक्सीजन यूज की सीओ टू देखिए बाहर निकलती हुई ये देखिए बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों हाउ द स्पारिकल वर्ड एक बार इसको वापस से कर लेते हैं द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन कॉकरोच इज ट्रेकियल सिस्टम कैसा है बच्चों ट्रेकियल सिस्टम ट्रेकियल सिस्टम के पास टोटल कितने होते हैं एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन टोटल कितने होते हैं यस बच्चों हम्म थैंक यू बेटा श्रेया कितने होते हैं ट्वेंटी स्पारिकल होते हैं ये स्पारिकल्स किसकी ओपनिंग है एवरीवन चैट सेक्शन कम ऑन बच्चों कम ऑन तुमसे ज्यादा तो ऐसा लग रहा है। मेरे को इंटरेस्ट आ रहा पढ़ने में गधेड़ों ऐसे <laughs> नहीं होता सिलेक्शन मैम के साथ बोलो जैसे क्लास में याद हो यस ये जो स्पाइरिकल है किसकी ओपनिंग है ट्रेकिया की और ट्रेकिया और ट्रेकियल ट्यूब्स किससे कनेक्टेड है टिश्यू से गैसीयस एक्सचेंज हो रहा है तो अगर मुझे गैस को अंदर लाना है तो सबसे पहले किसको खोलना होगा स्पाइरिकल को खोलना होगा तब जो है ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी मेरे बच्चों फिर ऑक्सीजन को यूज करेगा टिश्यू टिश्यू यूज करके क्या बाहर निकालेगा CO2 समझ में आ गया पूरा सिस्टम अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ये देखिए ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमें यहाँ पे जाना है सीधा मालपीजियन ट्यूबल्स पे व्हिच jun अब प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट अब देखिए इसको ध्यान से देखिए देखो कैन तो यू सी तो एनसीईआरटी की पहली लाइन टाइप ऑफ एपीथिलियम प्रेजेंट इन मार्फिजियन ट्रिब्यूल इज सिलर आप एनसीआरटी की लाइन देखिए तो यहां पर आपको ciliated and glandular दिख रहे हैं cells. लग रहा हो, out of NCRT कुछ नहीं है बच्चो सब कुछ एनसीआरटी चल रही है ये लाइन है एनसीआरटी की द टाइप ऑफ एपीथिलियम प्रेजेंट इन मार्फिजियन ट्रिब्यूल इज सिल्डुलर ठीक है ओके okay बच्चो हो गए। ये हो गई ये देखिए पूरी देखिए ये हम अंदर जा चुके हैं किसके मन टिब्यूल के ठीक आगे ये देखिए अब यहां पे मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है और निकल रहा है ये देखिए सबसे पहले जो नीले रंग के है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है लाल रंग के एंजाइम और ग्रीन रंग का यूरिक एसिड है ये देखिए सबके सब यहां पे है तो इससे हमें क्या पता लगता है मालफीजियन टिब्यूल में तीन चीजें हैं यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एंजाइम्स ठीक है अब आगे देखते हैं चलिए ये देखिए अब पूरे शरीर से यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट किया और ये सारा कलेक्ट करके कहा भेज दिया इलियम कोलोन रेक्टम ये देखिए बच्चों कैन यू सी द पैसेज पूरी बॉडी का ये उसके पूरा शरीर है पूरे शरीर से उसने नाइट्रोजनस वेस्ट खींचा और कहा डाला

भी आने से बाहर निकलेगा इसके पास कोई डिफरेंट ओपनिंग नहीं होती जैसे इंसान के अंदर होती है आगे ना कितना अच्छा सवाल ये देखिए अब, yes? अब आगे चलते बच्चों नेक्स्ट सिस्टम देख लेते नर्वस सिस्टम आइए अब नर्वस सिस्टम पे हम आते हुए ये देखिए बच्चों ये नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम में ये गैंगलिया है बहुत सारे बच्चों को गैंग्लिया का मतलब नहीं पता गैंगलिया का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज क्या मतलब होता है गैंग्लिया का एवरी वन गैंगलिया का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ठीक है तो यहां पे बहुत सारे सेल बॉडीज कलेक्टेड है इसको हमने गैंग्लिया बोला और ये गैंग्लिया ईसोफेगस के ऊपर है तो नाम क्या हो गया बच्चों इसका सुपरा इसोफेजियल गैंगलिया जो गैंगलिया इससे नीचे होता है नीचे की तरफ उसे हम कहते हैं यस उसे हम कहते हैं सब इसोफेजियल गैंगलिया और इनसे निकल रही है पूरी नर्व कॉर्ड ठीक है अब आगे देखते हैं इसको ये देखिए बच्चों ये हमारी वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड जो इसके पूरे शरीर में फैली हुई है ठीक है ये इसके पूरे शरीर में फैली है ये देखिए डबल हो गई ना हम नॉन कॉर्डेट जब मैं एनिमल पढ़ाऊंगी आप लोगों को तो मैं कहूंगी नॉन कॉर्डेट में जो नर्व कॉर्ड होती है सॉलिड होती है डबल क्यों होती है सबको पता लगे डबल क्यू है मेरे बच्चों यस अब देखिए इसके पास टोटल नाइन गैंगलियर्स और होते हैं जिसमें से तीन थॉरेक्स में होते हैं और छह कहां पे एबडोमिन में कितने हैं टोटल गैंगलिय बच्चों इसके पास नाइन गैंगलियर्स इन टोटल है जिसमें से तीन कहां पे थोरेक्स में और बाकी के छह कहां पे है एब्डोमेन में ठीक है बच्चों यस yes. अब ये देखिए ये तीन थोरासिक गैंगलिया ये छह एब्डोमिनल गैंगलिया लास्ट एब्डोमिनल गैंगलिया ये रहा बस हो गया नव वो सिस्टम चलिए आइए नर्वस सिस्टम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ठीक है नर्वस सिस्टम में नर्व कॉर्ड की क्या लोकेशन है बताइए सब चैट बॉक्स में क्या वो डॉर्सल होती है या वो वेंट्रल होती है रिवाइज कीजिए मैम के साथ एवरीवन यस yes. कहां होती है यस yes, बच्चों कहां होती है वेंटर या डॉर्सल सो नर्व कॉर्ड ऑफ कॉकरोच इज वेंट्रली लोकेटेड फर्स्ट चीज ठीक है टोटल कितने गैंग्लियाज है नौ no. जिसमें से तीन कहां पे होते हैं थॉरिक्स में छह कहां पे होते हैं एब्डोमेन में और उसके हेड में दो गैंग होते हैं एक ईसोफेगस ईसोफेगस से वाला, एक से ऊपर ऊपर वाला सब जो वाला वाला ईसोफेजियल ईसोफेजियल एक नीचे सब जो है दिस एक्ट एज अ ब्रेन ये इसका ब्रेन है जो कि नीट का पीवाई क्यू क्वेश्चन रह चुका है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं आ जाओ मेरे बच्चों अब आ रहे हैं इसके रिप्रोडक्टिव पे एक बार रिप्रोडक्टिव भी देख लेते हैं छुटको छुटको बाबू बड़का दीदी ठीक है छुटको बाबू बड़का दीदी चलिए आइए अब देखते हैं सबसे पहले इस कॉकरोच लेट्स कम टू अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों को कितना आता है फिर हम कराते हैं ठीक है बच्चों सो so, कॉकरोच इज यूनिसेक्चुअल बायसेक् hmm. तुमने एक चीज नोटिस की एक घंटा हो गया ऑलमोस्ट क्लास शुरू हुए जितने बच्चे उतने ही अभी भी दैट्स अ पावर ऑफ रियल टीचिंग यस एवरी स्टूडेंट इज सीरियस इन माई चैट सेक्शन दैट्स वॉट आई गेट वेन आई कम एंड टीच यस सो एवरी वी अंडरस्टैंड की कॉक्रोच इज यूनिसेक्शुअल कॉक्रोच हैज सेक्शुअल डायमोर्फिजम ट्रू अ फॉल्ट कॉकरोच हैज सेक्शुअल डायमोर्फिजम टू ऑफ ऑलस ऐसे भी क्वेश्चन आता है नीट में बिल्कुल यस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है अब सवाल उठता है कैसे है ठीक है बच्चों कैसे है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसके पास कॉर्डल स्टाइल्स है ये देखिए ये देखिए दिख रहे हैं आपको ये छोटे-छोटे इसके पास नहीं है देखिए ये एनाल सरकाय है जो दोनों के पास है ध्यान से देखिए एनाल सरकाय दोनों के पास है बट इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज है जो इसके पास नहीं है ये क्या है कॉडल स्टाइल इसके पास है एनल स्टाइल इसके पास है बट इसके पास नहीं है इसके पास नहीं है ठीक है दूसरी चीज बोट शेप एपडोम किसका है मैंने इसके ट्रिक भी बताई आपको बोट शेप लला कौन मम्मा ठीक है बोट शेप एपडोम किसके पास है बच्चों देखिए इसके पास है बोर्ड शेप बड़ा इसके पास आप देखेंगे थोड़ा सा नैरोअर है 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 थोड़ा पतला है, इसका मोटा है क्योंकि ऊथी का बनेंगे अभी अंदर बताऊंगी मैं कैसे बनेंगे ठीक है बच्चों ये ये छोटा है लेंथ में, ये लंबी है लेंथ लेंथ में में लंबी बेटा सारे पहले तो बताओ सारे के सारे अः बिल्कुल क्लैरिटी है कि क्या क्या डिफरेंसेस है एक्सटर्नल डिफरेंसेस पहले तो ये बताइए फिर एक -कर एक करके एक एक चीज पे चलेंगे ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे इसके

पहली एनसीआरटी की लाइन कर ली चले आइए अब इसको विजुलाइज़ करते हैं ध्यान से ये देखिए टेस्टिस है ठीक है वन पेर है स्पोमेटोजेनेसिस हो रहा है स्पोम बन रहा है फोर से सिक्स सेगमेंट के बीच में अब आपको एक और स्ट्रक्चर चमकता हुआ दिख रहा होगा बच्चों आपको अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा है एनीबडी हु कैन टेल मी वॉट इज दिस इन एनसीआर यस हाँ बताइए बच्चों कोई भी बच्चा बता सकता है एनसीआरटी ने क्या दिया हुआ है चलो जब तक आप बता रहे हो तब तक मैं इस पे क्लिक करती हूँ ये देखिए दिस इज आर फैलिक ग्लैंड इस फैलिक ग्लैंड का दूसरा नाम होता है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड क्या नाम होता है दूसरा कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड तो फैलिक ग्लैंड का दूसरा नाम है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड ठीक है और इस फैलिक के बीच में एक आपको चमकता हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत ध्यान से देखिए एनसीआरटी ने बिल्कुल भी ढंग से नहीं बना रखा इसे ये देखिए बीच में जो चमकता हुआ फूल जैसा स्ट्रक्चर आर स्मॉल तो अंदर जो पहले चमक रहा था वो स्मॉल ट्रिब्यूल थी ठीक है बच्चों और जो बाहर की तरफ चमक रही हैं बड़ी बड़ी जो एनसीआरटी ने लेबल किया आर है लॉन्ग ट्रिब्यूल ये लॉन्ग ट्रिब्यूल्स हैं ठीक है इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मशरूम ग्लैंड क्या कहते हैं दोनों को मिला के द स्मॉल टिब्यूल्स द लॉन्ग टिब्यूल टूगेदर कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये है हमारी टेस्टिस टेस्टिस के बाद आया ये फेलिक फेलिक ग्लैंड के नीचे आई स्मॉल टिब्यूल लॉन्ग टिब्यूल्स जिन्हें दोनों को मिला के हमने बोला मशरूम ग्लैंड ठीक है बच्चों अब आगे चलते हैं अब यहां पे देखिए मैंने क्लिक करना है सेमिनल वेसिकल बेटा होता क्या है ना इस डायग्राम में आपको कभी नहीं दिखेगा। उसका रीजन क्या है? ये हम देख रहे हैं और इसलिए इस डायग्राम में आपको कभी नहीं दिखेगा क्लियरली क्योंकि वो पीछे की तरफ है ठीक है बच्चा ये हो गया हमारा सेमिनल वेसिकल अब आपको ये लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखा होगा जैसे लड़कियों की कानों की बालियां होती हैं मैं तो खैर कानून में कुछ पहनती नहीं ज्यादा ठीक है तो ये है हमारे वाज डिफरेंस अब वाज डिफरेंस डायग्राम देखिए और बताइए वन पेयर्ड और सिंगल ये भी क्वेश्चन आता है नीट पे इज इट अब पेर्ड स्ट्रक्चर और इज इट अ सिंगल स्ट्रक्चर कैसा है मेरे बच्चों यस याद कीजिए क्लास में ही तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वाज डिफरेंस ये भी है ये भी है तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है

ठीक है ये राइट साइड है ये राइट साइड है तो इसका नाम राइट फेलोमियर है ठीक है ये हमारा ये देखिए सीडोपिनिस टेटिलेटर लेफ्ट फेलोमियर ये सारी एनसीआरटी में लेबलिंग है अब इनके काम क्या है ठीक है ये देखिए टिटिलेटर ये कहता है लड़की को चुटकी जो तुमने काटी है यहां वहां तो बेसिकली टिटिलेटर नाम से बता रहा है टिकलिंग करने वाला ठीक है बच्चों कैसे याद रखेंगे टिकलिंग करने वाला ये लड़की है ठीक है यस ऐसे छेड़ा छाड़ी करने वाला ठीक है तो ये टिटिलेटर है फिर आता है स्यूडोपीनिस नाम से आपको पता लग गया पीनिस वाला एक्शन तो करेगा बट काम नहीं करेगा फक इट इज स्ट्रक्चरली लाइक पेनिस बट इट इज फंक्शनली नॉट क्योंकि इंसेमिनेशन ये नहीं करेगा ठीक है बच्चों तो ये टिटिलेटर ठीक <laughs> <थीके>? है स्यूडोपीनिस ठीक <laughs> है चल आते हैं नेक्स्ट पे <coughs> ये भी और छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिस इज वेंट्रल फेलोमियर फेलोमियर तो इसके पास तीन से लेफ्ट फेलोमियर राइट वेंट्रल फेलोमियर ये तीनों की थ्री तीनों तीनों डी तीनों yes. है। है बन चुका है बच्चों और इसमें पूरा स्यूडो कॉपुलेशन बनवाया मैंने तुम्हारे लिए सको कि होता क्या है सब तैयार कर दिया माइले ठीक है तो ये हो गया अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक चीज रह गई है द डक्ट डक्ट ऑफ बेटा ये वाली duct इसमें लेबल नहीं है मैं बट आपको बता देती हूँ ये वाली जो डक्ट है ना ये वाली ये वाली दिस दिस इज डक्ट ऑफ और ग्लैंड ये वाली ये भी सिंगल होती है ठीक है यस yes. आ जाओ अब नेक्स्ट पे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा कुछ सिस्टम आपने देखा होगा एनसीईआरटी में सबने देखा होगा यस yes. मां फ्लेओमीज का फंक्शन क्या अभी तो बताया हीबा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है लड़की को बुलावे है लड़की को मनावे है दैट इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब इसे और अच्छे से देख लेते हैं तो सबसे पहले बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो आपको ये दो बहुत बड़ी क्या दिख रही है ओवरीज तो सबसे पहले ओवरीज पेयर्ड और सिंगल एवरीवन डायग्राम देखिए और खुद बताइए ओवरीज आर पेयर्ड ये वो जगह है जहां पे ओरी ऊजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिट ठीक है तीसरी चीज ये ओवरीज जो हैं ये कहां लोकेटेड होती है सेकंड से लेके सिक्स सेगमेंट में कहां से कहां लोकेटेड होती है सेकंड से लेके सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी ओवरीज अब हर ओवरी के अंदर और हर ओवरी के अंदर आठ ओवेरियल्स होते हैं हर ओवरी के अंदर कितने ओवेरियल्स होते, है? होते हैं आठ ओवेरियल्स होते हैं ठीक है बच्चों कुछ चमकता तो हुआ दिख रहा है क्या ये रहा अब देखिए ये ओवरी से ओवा बनके आया

ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनके secretions क्या बनाने में, help करते है? बनाने में help करते है. ठीक है देखना तुमने अपने कितने ही बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा बच्चों को समझ में आता यहाँ समझ लो आप ये है जेनाइटल चेंबर और ये देखिए जेनाइटल चेंबर के नीचे आपको ये दिख रहा है vestibulum. ये चेम्बर ये वेस्टिबुलम वेस्टिबुलम का मतलब है तो बहुत खाली जगह, क्या क्या तो महिला कहती है सुन तो स्पर्म दे जा। जब मेरे अंडे मैच्योर होंगे मैं खुद फर्टिलाइज करके बच्चे पैदा कर दूंगी मुझे तेरे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए लाइफ में ठीक है मेरे बच्चों सो द कॉकरोचेस आर मोर एडवांस वहां की महिला कहती है सुन तेरा जो काम है तुकार और जा ठीक है यहाँ पे मैं तेरे स्पर्म स्टोर कर लूंगी स्पर्मा में वन स्पर्म सिक्स सेगमेंट में होते हैं और जब भी अंडे मेच्योर होंगे वो ऊपर से टपक 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 आते रहेंगे यहाँ से स्पर्म निकलता रहेगा टपक, टपक 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 दोनों चेम्बर में फर्टिलाइज करते रहेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद उनकी पैकेजिंग होगी और पैकेजिंग कौन करता रहेगा कोलेट ग्लैंड वापस से एक बार बता देती हूँ बच्चों ध्यान से सुनो ये देखिए तो हुआ क्या महिला ने कहा तू जाके अपने जा। तो कहा स्टोर हो गए फर्टिलाइजेशन अंदर हो गई है फिर उनको पैक कौन कर रहा है कोलेटिल ग्लैंड बन गए का और ऊथी स्टोर कहां हो रहा है वेस्टिबुलम में यहां पे स्टोर हो गया अब जब बहुत ज्यादा ऊथी बन जाता है तो महिला कहते है बहुत ही भारी हो गए हैं चलो आओ इनको ले, ले कर देते हैं तो फिर जहां पे भी उसे गड्ढे दिखते हैं घरों के अंदर वहां पे वो ले कर देती है उन्हें ठीक है एक टाइम में नौ से दस ऊथी का ले कर देती है ठीक है बच्चों सो दिस इज अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ कॉकरोच ठीक है बच्चों ये इसका गोनापोफाइसिस ओविपोजिटर जो अंडों को ले करने में हेल्प करता है इसका ओविपोजिटर ठीक है समझ में आ गया अब इस पूरे से मुझे ये बताओ कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिर हम एनसीईआरटी शुरू करते हैं बच्चों मैम इंसेमिनेशन कहां से होगा ये यहाँ पे यहाँ पे होल हो गए है यहाँ से इसको अंदर जावे है फिर वो स्टोर हो जावे है यस एंड स्यूडो पीनिस क्या होता है जो पीनिस का काम करे जो एहसास पीनिस का दे बट फंक्शनली काम ना करे यस yes.

मुझे लगता है एनसीईआरटी पढ़ाने में मेरे को बहुत ज्यादा जोर नहीं लगेगा क्योंकि मैंने सारे टर्म्स सबको समझा दिया बच्चों को क्या कहते हो बच्चों ठीक है अभी निम्फ भी समझेंगे वो भी समझाएंगे वो समझाएंगे जो चीजें वहां रह गई है वो हम एनसीईआरटी के थ्रू समझाएंगे ठीक है भाई यस yes. अब करें एनसीईआरटी अब जितनी अटेंडेंस थ्री डी में थी उतनी अटेंडेंस टू डी में भी होनी चाहिए वरना पिटाई लगेगी क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है निकमो यस yes. चलो जाओ भाई स्टार्ट करते हैं द कॉकरोच तो सबसे पहले कॉकरोच का हम करेंगे क्लासिफिकेशन आइए बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉकरोच करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉकरोच क्लासिफिकेशन आइए तो सबसे पहले हम करेंगे इसका किंगडम चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में व्हाट इज द किंगडम ऑफ कॉकरोच एनिमेलिया वट इज फ़ाइलम ऑफ़ कॉकरोच? चलिए जल्दी बताइए क्लास में ठीक है yes. बच्चों के बाद कौन सी आती है क्लास क्लास कौन सी है बच्चों इसकी लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा कौन सी है इंसेक्टा इंसेक्टा के बाद ऑर्डर कौन सा है बच्चों इसका ब्लैटी ऑर्डर कौन सा है बच्चों इसका ब्लैटी नहीं सॉरी Diptera, फैमिली है सॉरी 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 आई एम सॉरी सॉरी बच्चों, ऑर्डर है इसका Diptera, टू पेयर ऑफ विंग्स वालों को डायपटेरा कहते हैं ठीक है उसके बाद आते हैं इसकी फैमिली इसकी फैमिली कौन सी है बच्चों? इसकी फैमिली है ब्लैटडी ठीक उसके बाद क्या आता है हमारा जीनस एंड स्पीशीज जीनस कौन सा है हमारा पेरी और स्पीशीज कौन सी हमारी जो हम पढ़ने वाले हैं अमेरिकाना भाई ये भी फॉरनर है समझ रहे हो इज्जत दिया करो अतिथि देवो भवा इज्जत दिया करो इसको ठीक अब आ जाओ कॉक्रोचेज आ ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स सबसे पहली चीज सब बच्चे एक तो के बैठेंगे मेरी क्लास में। जो बच्चा तो शब्द शब्द चाहिए बायो में चाहे लाइफ में कुछ भी हो बच्चों ठीक है यस चलो आ जाओ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों सबसे पहले कॉकरोच का रंग कैसा भूरे से काले रंग का होता है कैसा होता है इसका रंग भूरे से काले रंग का होता है ठीक है एनिमल्स डेट आर इंक्लूडेड इन क्लास हमने कर लिया है, है। पूरा क्लासिफिकेशन ही करा दिया मैंने, ठीक आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजंस का मतलब क्या? पे इंडिया लोकेटेड है इक्वेटर के पास वाले एरियाज़ को ट्रॉपिकल रीजंस कहते हैं ठीक है Inches. Inches, मतलब इतना इतना बड़ा इतना बड़ा कॉकरोच. कॉकरोच. ये देख रहे हो खतरनाक. ठीक है. Now, have long antennas. इनके पास फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट हेड नाउ दे आर नॉकटर्नल वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉकटर्नल ठीक है ये एक नॉकटर्नल एनिमल्स है नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट एक्टिव यानी कि रात में एक्टिव होते हैं जस्ट लाइक यू पीपल ठीक है like ये कैसे एनिमल्स है नाइट एक्टिव ये रात में एक्टिव होना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय दिन के ठीक है बच्चों वहीं पे ये ओमनी हैं, यानी कि ये वेज भी हैं, नॉन वेज भी है ये कुछ भी खा सकते हैं ठीक है थीके? That live in damp places. Damp places का मतलब क्या है हल्की सी moist, moist

ठीक है तो मेल्स के अंदर एक और सेक्सुअल डायमोफिज का फीचर आ गया बच्चों कि मेल्स के अंदर जो उनके शरीर है उससे लंबे उनके पंख होंगे जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं होगा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है नेक्स्ट द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड जो बॉडी है कॉकरोच की वो सेगमेंटेड है तो इससे क्या पता लगता है कि दे शो ट्रू मेटामेरिज्म क्या शो कर रहे हैं मेरे बच्चों ये ट्रू मेटामेरिज्म और अगर इसकी सेगमेंट की बात करें तो बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है कितने हिस्सों में डिवाइडेड है मेरे बच्चों तीन हिस्सों में डिवाइडेड है ठीक है पहला हिस्सा क्या है इसका हेड दूसरा हिस्सा कौन सा है थॉरेक्स और तीसरा मेरे बच्चों क्या है एबडोमिन तीसरा कौन सा है एबडोमिन के अंदर एक सेगमेंट है थॉरेक्स में कितने सेगमेंट है बच्चों तीन सेगमेंट है एबडोमिन में कितने सेगमेंट है दस सेगमेंट तो यानी कि शरीर में कुल कितने सेगमेंट है बच्चों चौदह सेगमेंट्स हैं टोटल कितने सेगमेंट्स है मेरे बच्चों फोर्टीन सेगमेंट्स टोटल प्रेजेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट डिविजिबल इनटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन हेड थोरैक्स एब्डोमेन नाउ द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो पूरा शरीर है एक हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है ये जो हार्ड

होमो पॉलीसेकेराइड है यानी कि एक तरह का क्या है ये एक तरह का ये होमो पॉलिसाइड है यानी कि एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट है ठीक है नाउ ब्राउन इन कलर सेगमेंट स्केलेटन है ये प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जब ये प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उनको क्या कहते हैं मेरे बच्चों स्कलैराइड्स क्या कहते हैं उन्हें स्क्लेराइड्स तो आइए एक सेगमेंट को देखते हैं ये एक सेगमेंट है ये उसकी डोर्सल प्लेट ये कॉकरोच की वेंट्रल प्लेट ये कॉकरोच की लेटरल प्लेट्स तो एक सेगमेंट के पास कितनी प्लेट्स हुई मेरे बच्चों बताइए कितनी प्लेट्स हुई एक सेगमेंट के पास चार प्लेट्स हुई काइटिन की एक ऊपर वाली एक नीचे वाली और दो बाजू वाली तो चार प्लेट हो गई ना ऊपर वाली यानी जो डॉर्सल साइड में है वो डार्क कलर की है उसे कहते, कहते हैं है, उसे बोलते हैं स्टर्नाइट क्या बोलते हैं उसे स्टर्नाइट और जो बाजू वाली है दोनों बाजू वाली आलू पैलू बाजू ठीक है वो उन्हें क्या कहते हैं प्लूराइट इनको क्या कहते हैं बच्चों इनको बोलते हैं हम प्लूराइट ठीक है तो ऊपर वाली टर्गाइड नीचे वाली स्टर्नाइट और आजू बाजू वाली प्लूराइट ठीक है मेरे बच्चों ठीक है अब देखिए अब ये फ्लेक्सिबल कहा होता है ये हर हर नाली से निकल जाता है हर नाली से आखिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का रीजन क्या है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का रीजन है द आर्थरोल या आर्टिकुलर मेमब्रेन ये चारों की चारों प्लेटों को जोड़ने के लिए एक मेमब्रेन की जरूरत है और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है मेरे बच्चों इस मेम्ब्रेन का नाम है आर्थ्रोडियल और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन क्या नाम है मेरे बच्चों आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या इसे हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं ठीक है बच्चों यस एवरी समझ में लगा यही मेम्ब्रेन है जो थिन और फ्लेक्सिबिलिटी से प्रोवाइड करती है चलिए अब आगे चलते हैं चलो Now next, in each segment we have sclerites. Tergites are present dorsally. ये लिखवा दिया मैं अपने and sternites are present ventrally. That are joined to each other by a thin, flexible articular or arthrodial membrane. क्या यहाँ तक word to word NCERT का समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes बच्चों समझ में आ गए यहाँ तक कि क्या लिखा NCERT ने चलिए अब आगे चलते हैं आ जाओ ये है हमारा पूरा का पूरा डायग्राम ऑफ कॉकरोच जो हम डिटेल में आप समझ चुके अब हम इसको नहीं समझेंगे क्योंकि हम समझ के आ गए हैं है ना हेड इज कैसा था तिकोना शेप का था ये हमने किया था तो सबसे पहले देखते हैं हेड कैसा है बच्चों इसका ट्राइंगर तिकोने आकार का है एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल यानी कि अगर ये इसका शरीर है तो इसका हेड ऐसे प्रेजेंट है तो ये राइट right एंगल पे प्रेजेंट है राइट right एंगल पे और जब आपका हेड राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है बॉडी के एक्सिस से तो ऐसे को हम क्या कहते हैं माउथ, क्या कहते हैं? ऐसे को बच्चा ऐसे हेड को क्या बोलते हैं एवरीवन? ऐसे हेड को हम बोलते हैं हेड, हाइपोग्नाथस, ये याद रखना एनसीईआरटी का ठीक है अब आगे चलते हैं नाउ द हेड फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट तो यानी कि बचपन में सर में कितने सेगमेंट थे ठीक से है बच्चो अब आते हैं नेक्स्ट नाउ एम शोज ग्रेट मोबिलिटी डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सीबल नेक तो इसके पास नेक भी है और फ्लेक्सीबल भी होती है वो हेड कैप्सूल बिज अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज हमने किया था इसके पास क्या है कंपाउंड आइज और ये पेयर ऑफ कंपाउंड आइज में कितने होते हैं बताओ जल्दी से बॉक्स में आप इसके पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओमेटीडिया क्या कहते हैं बच्चों इनको इनको हम कहते हैं जो हो गया ओमेटीडिया

किस के लिए होते हैं ये वाइब्रेशन और दूसरे वाले होते हैं हमारे और फैक्ट्री स्मेल के लिए तो ये दो काम कौन करता है बच्चों कैसे माउथ पार्ट हैं मेरे बच्चों इसके इसके जो माउथ पार्ट है वो हैं बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं और इन माउथ पार्ट में क्या क्या चीजें हैं? चलिए देखिये माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ अपर लिप, इसके पास होते हैं इनके पास होता है लेबियम लोअर लिप जो थाली की तरह काम करता है और इसके अलावा इनके पास होती है एक टंग जिसका नाम है हाइपो फैरिंग ठीक है लाइज विद इन दैविटी इनक्लोज बाय दाउथ पार्ट यहाँ तक समझ में आ गया ये yes, बच्चो

प्रोनोटम, ठीक है वहीं पे दूसरा क्या था मीजो तीसरा था मेटा। नाउ, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो prothorax है, वो हेड से अटैच होता है थ्रू फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन कॉल नेक ठीक है नाउ, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी हो गई थ्री पेयर ऑफ लेग्स और सिक्स लेग्स ठीक है कितनी हो गई बच्चों ये? ये हम कह सकते हैं। मुझे लग रहा है मेरी एनसीआरटी या तुम्हारी एनसीआरटी बहुत ज्यादा भरने वाली है बच्चों पेयर ऑफ लेग्स होती है और वो थ्री पेयर ऑफ लेग्स कैसे नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट तो पहली पेयर का नाम क्या हो जाएगा प्रोथोरेसिक लेग प्रो थोरेसिक लेग दूसरी थोरेसिक लेग और तीसरी हो जाएगी मेटा थोरैसिक लेग ये हो गई ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों आगे चलते हैं द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अरराइजेस फ्रॉम मेसोथोरैक्स ठीक है एंड द सेकंड अरराइजेस फ्रॉम मेटाथोरैक्स द फोर विंग और द मेसोथोरैसिक कॉल्ड एज टेग्मीना और इलाइट्रा यहीं पे लिख दो टेग्मीना और इलाइट्रा दे आर डार्क दे आर लेathery

अब आ रहे हैं उसके एपडोमिन पे एपडोमिन में कितने सेगमेंट बताए थे चलिए जल्दी से बताइए बॉक्स में। में लिख हमने दोनों के बाद दस सेगमेंट है इन फीमेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूं इसको आप हाईलाइट कर लीजिए इस लाइन को फीमेल के अंदर सेवेंथ स्टर्नम

वापस से मैं क्या बोला कि जो है 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 की उसका वा वा और नौवा स्टर्नाइट मिलके शेप बना रहा है, जिसके अंदर फीमेल का पूरा सिस्टम समाया होता ठीक है बच्चों यस yes. अब आगे चलते हैं और चेंबर लाइज एट हाइंड एंड ऑफ दिन बाउंडेड बाय नाइंथ एंड टेंथ ट

ठीक है बट दोनों ही मेल फीमेल में जो चीज मिलती है उसका नाम है एनल सरकाय सरकाय दोनों में मिलेगा बट स्टाइल सिर्फ मेल में मिलेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच इज डन एंड डस्टेड मेरे बच्चों यस एवरी डन एंड डस्टेड हो गया यस yes. सर्दियों में ना टोबा वोबा पहन लो तो बाल शाल खराब हो जाते हैं यार यस <laughs> yes. तब खराब हो जाते हैं मजा सा नहीं आ रहा बालों को देख के सही में यार चलो भाई मुंह देख लो इसका ऐसा लग रहा है कि टीका लगवाएगा अभी विजय भव का ठीक है अब आ रहे रे पे आ रहे हैं यानी कि अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम ये वाले सारे सिस्टम करेंगे जिसका हम थ्री डी देख कर आए चलिए आइए अब फटाफट से नाउ द एलिमेंट्री द एलिमेंट्री प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटीड टू थ्री रीजन तो इसका जो एलिमेंट्री है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है एवरी तीन हिस्सों में पहला हिस्सा है फोरगट दूसरा हिस्सा है मिडगट और तीसरा हिस्सा इसका हाइंड जो माउथ है वो ओपन करता है एक शॉर्ट ट्यूबलॉफ फ्स में तो माउथ के बाद कौन सी चीज चलेगी बच्चों यहां लिख लेते हैं माउथ के बाद कौन सा हिस्सा आया फैर कौन सा हिस्सा आया मेरे बच्चों फैरिंग्स लीडिंग टू अ नैरो पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस उसके बाद कहा गया ये ईसोफेगस खाना खा गया यहां से बाद ईसोफेगस के पास ठीक है वही फैरिंग्स के पास कौन सा ग्लैंड था कितने पेयर था बताइए चैट बॉक्स में यहां पे इसके पास था यहाँ पे टू यहां टू ऑफ ऑफ सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड। और जो दूसरी चीज थी वो थी वन पेयर ऑफ सलाइवरी रेजर्व है ना मेरे बच्चों यही था ना कुछ और तो नहीं था बता देना अब आते हैं नेक्स्ट पे दिस इन टर्न ओपन सैक लाइक स्ट्रक्चर

प्रोवेंट्रिकुलस तो गिजर्ट का दूसरा नाम क्या है प्रो क्या काम था का जल्दी बताइए चैट बॉक्स में अब यहां से खाना जाएगा गिजर्ट के पास या यह जाएगा प्रो के पास किसके पास जाएगा प्रोवेंट्रिकुलस और जी से याद रखना है गर्मा माम जी से याद रखना है और जी से याद रखना ग्राइंडिंग ठीक है बच्चों तो यानी कि इसका क्या काम है इसका काम है ग्राइंडिंग

जो उसको बचा सके ठीक है यस किसी भी खाने से नाउ रिंग ऑफ सिक्स टिब्यूल्ड हिपैटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिड गट और इन हिपैटिक सीका का काम क्या था बच्चों इन और गैस्ट्रिक और गैस्ट्रिक सीका का क्या काम है इनका काम है एंजाइम्स। क्या कर रहे हैं ये दे आर सिक्रीटिंग एंजाइम्स तो ये आपके सारे एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहे हैं फॉर डाइजेशन इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ठीक है विथ सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस Now, at the junction of midgut and hindgut, there are 150, 100 to yellow, 150 yellow colored thin filamentous tubules called as malfeasance tubules are present. Now, they help in removal of excretory product from hemolymph. Or, which product this excretory product is Uric acid. Uric acid. Hindgut is broader. Rectum. Rectum का एलिमेंट्री के ना क्लियर है बच्चों को यस yes. मैं कह रही हूं ना बच्चो जो मजा थ्री डी में है ना वो नहीं है

वो ओपन होता है या क्लोज ये होता है ओपन टाइप का ठीक है अब अगर हम इसके हार्ट की बात करें कॉकरोच की तो सबसे पहले ये न्यूरोजेनिक होता है यानी कि ये कौन कंट्रोल करता है इसका दिमाग ये कहां लोकेटेड होता है ये डॉर्सली लोकेटेड होता है बॉडी के अंदर इसके पास कितने चैंबर्स होते हैं मेरे बच्चों 13 चैंबरड होता है इसका दिल अब इसके अगर हम ब्लड की बात करें विच इज हिमोलिम्फ अगर आपने कभी भी कॉकरोच को चप्पल से चिपकाया है तो आप भी उस चीज के लिए आपने भी देखा होगा कि कुछ भी लाल चीज नहीं आती निकल के बाहर बल्कि सफेद आती है इसका क्या मतलब है कि दे आर नॉट हैव हीमोग्लोबिन, सो देर इज नो हीमोग्लोबिन तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है मेरे बच्चों

ओपन स्पेसेस से एंटर करते हैं कहां पे हार्ट में थ्रू ऑस्टिया ऑस्टिया क्या होती है ओपनिंग ऑफ हार्ट ऑस्टिया क्या है ओपनिंग ऑफ हार्ट तो जितने भी हमारे ओपन स्पेसेस है शरीर के वहां से ब्लड हार्ट में जाएगा थ्रू देयर ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिया ठीक है एंड पंपड इंटीरियरली टू साइनसिस अगेन और फिर ये सारा ब्लड वापस से साइनस में भेज दिया जाएगा सो दिस इज हाउ द ब्लड सर्कुलेट इन केस ऑफ कॉकरच नाउ ये हो गया हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अब आते हैं नेक्स्ट पे रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने टोटल स्पायरिकल थे अब बताओ बच्चों आपको याद है मुझे पता है यस yes. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया ठीक है तो इसके पास ट्रेकियल सिस्टम होता है दैट ओपन थ्रू टेन पेयर ऑफ स्पायरिकल्स और ट्वेंटी स्पायरिकल्स टेन पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स

फिर फिर ऑक्सीजन किसके पास जाएगा टिश्यू के पास टिश्यू ऑक्सीजन यूज़ करेगा और एक्सचेंज में क्या देगा कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जाएगी ठीक है नेक्स्ट, द ओपनिंग ऑफ द स्पारिकल इज रेगुलेटेड बाय स्ल ऐसे नहीं कभी भी खुल जाएगी कोई दिल थोड़ी है कि कोई भी आ जाएगा आशी के करने इनको रेगुलेट किया जाता है और रेगुलेटरी चीजों को क्या कहते हैं हम स्पिनस्टर्स तो हमारे स्पाइरिकल्स के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों स्पिनस्टर्स ठीक है नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज होगी ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे दैट इज अ एक्सक्रीशन नाउ एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मैलफीजियल

जंक्शन ऑफ मिड गिडग एंड हाइंडग के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है ठीक है बच्चों? यस। नाउ इच टिब्यूल इज लाइन बाय देखो यही मैं तुमसे कह रही थी एनसीआरटी की लाइन है ईच मैलफीजियन टिब्यूल इज बाय सिलेटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथिलियम जो हमने देखा ईच मैलफीजियन ट्रिब्यूल इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सिलियटेड सेल्स देखा आपने कितनी छोटी सी लाइन थी बट नीट में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू हाइंड गो टेले इन एडिशन द फैट बॉडी

मेरी आपसे गुजारिश है अगर आप यूट्यूब से सिलेक्शन चाहते हैं तो आराम आराम से पढ़िए एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा क्लास के बाद अरेन्ज गैंगलिया वैंग्लिया क्या होता है गैंग्लिया मैम ने बताया था गैंगलिया इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी क्या था बच्चों ये कलेक्शन ऑफ सेल

सर कलम कर दूं मैं कॉकरोच का क्या वो जिएगा मेरे बच्चों yes no? यस और नो ये हमारा क्वेश्चन था नीट का बताइए बच्चों यस yes बच्चों अगर मैं उसका सर कलम कर दूं तो क्या कॉकरोच जिएगा यस yes और नो no? हम्म hmm. जिएगा यस yes, जिएगा सर कलम करने के बाद भी जिएगा यस yes. क्यों जिएगा <laughs> क्योंकि उसका पूरा नर्वस सिस्टम सर में नहीं होता बल्कि उसके शरीर में भी होता है बट वो मर क्यों जाते है फिर एक हफ्ते बाद

कॉकरोच के अंदर सेंस ऑर्गन्स कौन-कौन से हैं एंटीनास आईज मैग्जिलरी पैड्स लेबियल पैड्स एने सरकाय ठीक है द कंपाउंड आइज अब देखो आईज पे आ गए कंपाउंड आइज सिचुएटेड एट द डोर्सर सरफेस ऑफ द हेड ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल शेप्ड ओमेटिडिया ये चीज हमने लिखी थी विजन कैसा था मोज़ेक था या नहीं था मेरे बच्चों मोज़ेक था या नहीं था विजन कैसा था हम्म hmm. विजन था या नहीं था यस yes, देखिए इधर नाउ विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटीरिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट की हजारों इमेज आ सकती है ठीक है दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजैक विजन कैसे कहते हैं इस विजन को मोजैक विजन ठीक है पहले भी तुमने ना कभी अपने मम्मी पापा के फोटो एल्बम देखना आज ही जाके देखना ठीक है उसमें ना एक पोज़ होता था मम्मी ऐसे मम्मी की पांच छह फोटो ऐसी पोज़ में थोड़ी सी ब्लर की हुई ऐसे मम्मी बीच में सेंटर में पापा को देख रही है ऐसे ठीक है और उसके आसपास इतना छह फोटो ऐसे है मैम मे मम्मी के फोटो एल्बम में भी ऐसे ही था यस तुम देखना ऐसे बना के रखते हैं और वहां पे पापा ऐसे होंगे उदास बिल्कुल कि क्यों शादी करा दी हमारी या छे फोटो पापा की भी होगी मतलब एक ही पेज में पे फोटो पापा की भी होगी फोटो मम्मी की भी होगी ब्लर होगी ऐसे विजन को मुज़ाक विजन कहते हैं बच्चों ठीक है यस ठीक है ऐसी जो इमेजेस होती हैं उनका रेजोल्यूशन कम होता है बट सेंसिटिविटी ज्यादा होती है ठीक है ये खासियत है मोजैक विजन की अब ये है हमारी एलरी मसल जो की ट्वेल्व पेयर ऑफ एलरी मसल होती है ये लिख दिया हमने नेक्स्ट बच्चों नाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच आइए पहले मुझे बताओ क्या ऐसी सारी चैप्टर पढ़ा दू या नहीं पहले ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी 3D पढ़ा दिया है अपने प्लस बैच में यस बच्चों ऐसे ही पढ़ने सारे चैप्टर्स अब आपने देखा अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आपका टाइम बच रहा है क्योंकि वरना मैं एक एक डायग्राम बनाती एक एक डायग्राम बनाते तुम्हारा टाइम वेस्ट होता बच्चों

पैर ऑफ टेस्टिस, वन लाइंग ऑन एच रिलेटरल साइड इन द फोर टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट। जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी, याद कराया था मैंने, तो इसके पास वन पैर ऑफ टेस्टिस है, जो चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में होती है, ठीक है? Yes. Next. Now from each testis arises a thin vas deferens. Now vas deferens is paired or unpaired. Imagine कितनी वास्ट डिफरेंस थी डायग्राम में करो रिकेप्चुलेट यस yes, करो तो यहां पे आप लिखेंगे पेयर्ड क्योंकि ये भी दो थी ठीक है विच ओपन इनटू टू इजैकुलेटेड डक्ट नाउ इमेजिन इजैकुलेटेड डक्ट वो तो मेरी तरह थी सिंगल ठीक है तो इजैकुलेटेड डक्ट के ऊपर बच्चे लिख लेंगे अनपेयर्ड ये सिंगल थी थ्रू सेमिनल वेसिकल सेमिनल वेसिकल वो ग्लैंड था जो किस साइड लोकेटेड है डॉर्सली

छठे से सातवें अबडोमिनल सेगमेंट में और इस मशरूम ग्लैंड के पास दो तरह की टब्यूल्स थी डायग्राम में कैसी थी दो तरह की टब्यूल्स बताइए कैसी थी दो तरह की एक थी लॉन्ग टब्यूट्स और एक थी स्मॉल टब्यूट्स दूसरी कौन सी थी स्मॉल टब्यूट्स याद करो डायग्राम में उसे हमने मशरूम ग्लैंड बोला ठीक है व्हिच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैम ने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का इसको हम गोनापोफाइसिस भी कहते हैं ठीक है. है इसको हम फेलूमियर भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको फेलूमियर ठीक है आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फेलूमियर ये किससे बने हैं ये काइटिन से बने हैं

तो टोटल अंडे कितने बने तो टोटल अंडे कितने बने सोलह तो चौदह से सोलह अंडे बनते हैं एक टाइम में. कितने अंडे बन रहे? चौदह से सोलह ठीक है मेरे बच्चों चले एक बार यार बैंड नहीं है क्या मेरे पास बैंड कहां गया मेरा? बैंड का एक सेकेंड बच्चों. बाल बांधो जरा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे को तब से ये रहा मेरे पास अरे बैंड देखने गई थी चॉकलेट भी मिल गई खा लें क्या एक चॉकलेट भी मिल गई है यस तुम्हारे इधर आई हूँ यार मैं आई एम नॉट डिफरेंट हम्म बस उम्र एक दो साल ज्यादा है ज्यादा नहीं हम्म चौदह कब बनेंगे मैम जब दो डिफेक्टेड हो जाएंगे और क्या बनने सोलह चाहिए थे बन चौदह हैं तो दो डिफेक्टेड हो गए हैं हम्म हाँ भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो बात है ही नहीं पानी खत्म हो गया एक सेकंड बच्चों पढ़ाते पढ़ाते गुम हो गए तुम्हारे प्यार में फील्स लाइक like. हमें भी दे दो ये लो दिस इज़ गोजी गोजी एंड रास्पबेरी हर्शीज़ एग्जॉटिक डार्क नो पेड़ प्रमोशन they don't pay me single penny for this <laughs> बस आप तीन साल बड़े यस सुदेशा घमंड नहीं किया बट कभी हमने ओवरी क्या होता है बस बेटा तेरा नीट क्लियर हो गया इसी बात पे हम <laughs> अब तेरा नीट क्लियर हो गया सही बता रही हूँ मैं अब तू रॉकस्टार है यस हां मामा पतले हो गए हो और होना है बेटा अब

और आठ ओवेरियल्स में हर ओवेरियम में एक ओवा बनता है तो टेक्निकली 16 अंडे बनाती है एक टाइम पे एक महिला कॉकरोच ठीक है नाउ नाउ दिस कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इन अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड वजाइना और द कॉमन ओविडक्ट व्हिच ओपन्स इनटू जेनिटल चैंबर और वही सिक्स सेगमेंट पे प्रेजेंट इज स्पर्माथीका नाम से आपको लगेगा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा बट आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो क्योंकि स्पोमथी का प्रेजेंट होता है सिक्स सेगमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये वन पेयर्ड होता है और इसका मेन काम होता है स्पर्म स्टोरेज क्या काम होता है इसका मेन स्पर्म स्टोरेज इसका मेन काम होता है ठीक है मेरे बच्चों यस yes. अब आगे चलते हैं स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड अभी देखिए यहां पे असली मजा आने वाला है यहाँ पे ऐसी मजा आने वाला है बच्चों क्या कि स्पर्म ट्रांसफर कैसे होता है ठीक है यस yes. तो स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पोमेटोफोर्स तो ये जो स्पर्म्स हैं इनके पहले पैकेट बना दिए जाते हैं और फिर ट्रांसफर ये होते हैं ठीक है देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकैस्ड इन अ कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका अब देखो हुआ क्या मेलक आया मेल का स्पर्म आया फीमेल ने अपने अंडे निकाले दोनों फर्टिलाइज किए धम धम

ऐसे कितना ऊथिका निकालती है नौ से दस ऊथिका और हर उथिका में कितने अंडे चौदह से सोलह एक टाइम पे डेढ़ सौ कॉक्रोच पैदा हो जाते हैं इसलिए कहते हैं एक बार कॉकरोच लगा तो बस लगता ही रहेगा लगता ही रहेगा क्योंकि महिला अंड बनाती ही रहेगी बनाती ही रहेगी ठीक है yes. यस तो अब देखिए ऊ थी डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट एट एम एम लॉन्ग दे आर ड्रॉपेबल सर्फिस इनक्रेविसेस ह्यूमिडिटी नियर सोर्स फीमेल ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पीवाई क्यू लाइन फीमेल प्रोड्यूस नाइन टू टेन का ईच कंटेनिंग चौदह से सोलह अंडे ठीक है द डेवलपमेंट ऑफ पे प्लेटा अमेरिकाना इस पोराटाबोलिस पोराटाबोलिस का मतलब क्या है

स्केलेटन तो बार बार वो अपनी बार करता है बच्चों थर्टीन टाइम्स वो करता है सो थर्टीन टाइम्स वो मोल्ड करता है टू रीच द has टू लास्ट but only adult cockroaches have wings.

क्योंकि इसका आई डोंट थिंक सो इसका 3D अभी अपडेट हुआ है एक सेकंड बच्चों मैं इसका 3D चेक करती हूँ इसका अपडेट हुआ है या नहीं एक सेकंड अब जो नेक्स्ट मुझे आपको पढ़ाना है मैं उसका थोड़ा सा आपको डेमो देना चाहूंगी एक सेकंड इसी में ही अपडेट होगा नहीं इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है मैं अभी वो बन गया है बट उसको अपडेट कराना बाकी है वो मैं करा दूंगी अब जो मुझे नेक्स्ट पढ़ाना है वो है जेनेटिक्स ये देखिए और रिप्रोडक्शन ये पता नहीं अब चलेगा नहीं चलेगा लास्ट टाइम इसमें कुछ खराबी हो गई थी चल गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये देखिए बच्चों दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये है जिसमें हम पूरा थ्री देखने वाले हैं यू कैन चेक इट आउट वट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट ये देखिए पूरा अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको कैसे पूरा सिस्टम है ठीक है ये देखिए ये डिफरेंस है इसी को कट करते हैं है ना यस लिविंग वर्ल्ड करेंगे बच्चों सारी चीजें करेंगे यू कैन चेक दिस आउट ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में बच्चों ठीक है yes. यस तो ये सब हम अब करने वाले हैं बहुत अमेजिंग तरह से आपको पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं जस बी अस

एंड इफ़ यू राइट समथिंग या कुछ शेयर आप करें इस चीज़ का इंस्टाग्राम पर कहीं पर मुझे अटैक करके आई डेफिनेटली रीशेयर यूर स्टोरीज दैट वुड बी आर लिटल थैंक यू दैट्स इट आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू आई एम जस्ट आस्किंग अ लिटल अप्रिसिएशन फॉर द टीम अडास टीम क्योंकि दे हैव रियली वर्कड हार्ड तीन महीनों में इतना बड़ा थ्री डी बनाना